जो नरेंद्र मोदी जी का हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व को आज सबके सामने पर्दाफाश कर रही है जातिगत जनगणना, कि ये हिंदुत्व के नाम पर हमें और आपको बांट रहे हैं और लड़ा रहे हैं। वो खुल गया प्रोपेगंडा, ये तुम चलाओ। और जब तुमसे जवाबदेही मांगे, तुम्हारे भ्रष्टाचार सामने आए, औरंगजेब ने क्या करा था, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान फालतू की बातें करते हो। इस देश में 30% GDP के हिस्सेदार है मुसलमान, काम करते, चोरी नहीं करते, लुटेरे नहीं है मुसलमान। चंदा दिया उन्होंने, सरकार सेना के हथियार के लिए सोना दिया इनने, हिंदू है जो हिंदुओं ने। RSS में नहीं है वो राजपूत नहीं है क्या? जो RSS में नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है क्या? मंदिर पे RSS बैठा हुआ है, सारे मंदिर पे, सब मंदिरों के नाम पे चंदाखोरी चल रही है, देश भुखमरी में आ गया, गरीबी में आ गया। मत छुपाओ, हिंदुत्व के पीछे खड़े होकर, धर्म के पीछे खड़े होकर जवाब दो ना। मिनी पाकिस्तान कह के, पाकिस्तान कह के, जय श्री राम कह के सवालों से भागो मत, जिम्मेदारी से भागो मत। देश आ गया भुखमरी में, देश आटे पे टैक्स लगा दिया, दूध पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया है, तभी फीस इतनी बढ़ा दी है कि गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए, शिक्षित ना हो पाए और आप तो सवाल ना कर पाए। अमीरों से 8% टैक्स, गरीबों से 13% टैक्स, एक दिन फोन की EMI ना जाए तो फोन बंद है। और अमीरों के लिए हमारा सारा खजाना लुटा दिया जो हमसे टैक्स ले रहे थे। तो कोई परेशानी वाली बात है क्या? जातिगत जनगणना तो हर राज्य में होनी चाहिए, ये जनता का अधिकार है, पता होनी चाहिए हमारी जनसंख्या कितनी है, उस हिसाब से हमारी भागीदारी होनी चाहिए। आज जातिगत जनगणना के हमारे पास आंकड़े ही नहीं है देश में, तो आप देखिए पूरे सिस्टम में IPS सारे कौन है उत्तर प्रदेश में, एक ही समाज के लोग, एक ही जाति के लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं। आप देखिए जुडिशरी में कौन बैठे हैं, सारे ब्राह्मण समाज के लोग, RSS के लोग, खास तौर से ब्राह्मण का मतलब है RSS। क्या एक संगठन ही पूरे देश में योग्य है? क्या RSS के अतिरिक्त इस देश में कोई योग्य नहीं है, किसी भी समाज में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में? चाहे ठाकुर हो चाहे पंडित हो, अगर हम ठाकुर हैं RSS में नहीं है तो हम ठाकुर नहीं है, अगर हम पंडित हैं RSS में नहीं है तो हम पंडित नहीं है। इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है और पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मतलब हिंदुओं को बांटने के लिए होनी चाहिए। हिंदू कौन है, हिंदू कौन है? यादव हिंदू नहीं है क्या? दलित हिंदू नहीं है क्या? SC ST वाले हिंदू नहीं है क्या? वाल्मीकि समाज के लोग हिंदू नहीं है क्या? कौन है आज, कहाँ, किसको अधिकार मिल रहा है, किसको हक मिल रहा है? अरे आप कॉलेजों में, आप अगर SC ST का कोई प्रोफेसर है आप उसे निकाल देते हैं, वो धरने पे बैठे हैं। मजदूरों के आप झूठे कहते हैं, 444 हमने DMC में हमने परमानेंट कर दिए और एक भी परमानेंट नहीं किया, वो धरना दे रहे हैं। हो क्या रहा है हिंदू के नाम पे? केवल ब्राह्मण है आज हर संवैधानिक पद पे, केवल ब्राह्मण RSS है, यही है क्या हिंदुत्व? बेवकूफ बनाते हैं आप। जातिगत जनगणना ने बिहार में जो हुई है सच सबके सामने ला दिया है। बौखला क्यों रही है भाजपा? इससे पहले क्या देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई? आप डर क्यों रहे हैं जातिगत जनगणना से? आप गरीब गरीब चिल्लाने लगे, अरे गरीबों के घर आप उजाड़े, गरीब बेटियों के साथ जब बलात्कार होता है उन्हें आप न्याय ना दें, आखिर आप चाहते क्या है? कब तक जनता को गुमराह करेंगे? जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए भाई साहब। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं, अगर आपको जनगणना करानी है तो अमीर की, गरीब की और मिडिल क्लास की कराइए, जाति से क्या मिलेगा आपको? भैया जी आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं, गरीब और अमीर के जातिगत जनगणना हुई किस लिए? गरीबों को सहारा देने के लिए? जब हमारे पास आंकड़े ही नहीं होंगे तो हम गरीबी का कैसे करके मूल्यांकन करेंगे, किस समाज में कौन कैसा है? जब आंकड़े होंगे तभी तो होगा। आज आप किस आधार पर कह रहे हैं कि गरीब कौन है, कह सकते हैं आप? हिंदू गरीब है कि मुसलमान गरीब है कि SC ST वाले गरीब है, OBC गरीब है, जब हमारे पास जनगणना ही नहीं? बेवकूफ मत बनाइए देश को, बहुत बेवकूफ बनाया। 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बाद में जुमला कह देते हैं आप, जुमला कह देते हैं आप। तो आज देश आपकी वास्तविकता समझ चुका है और देश आपके बहकावे में नहीं आने वाला। जातिगत जनगणना इस देश के नागरिकों का अधिकार है, हमें पता होना चाहिए। आप डराते हो, 30 करोड़ मुसलमान आने वाले 20 साल में देश पर कब्जा कर लेंगे, बेवकूफ बनाते हो आप। आप आंकड़ों पे हमें बेवकूफ बनाते हो। अब जातिगत जनगणना हो रही है, आंकड़े आ रहे तो तुम्हें डर लग रहा है। 2% लोग, 2.5% लोग ब्राह्मण आज हमारे देश पे शासन कर रहे हैं, 30% के नाम पर डरा रहे हो आप। अरे यार 2% के लोग सबका हक मारे हैं आपस में लड़ा के, कभी जाट और राजपूत कर देते हैं, कभी दलित और राजपूत कर देते हैं, ऊंच नीच करते हैं। कौन करता है? ब्राह्मण ही तो कर रहा है। कितना है? 3%। अरे 3% नहीं जीने दे रहा भाई, और डराता है 30% को लेके कि मुसलमान आ गया तो देश में 20 साल बाद ऐसा हो जाएगा। वर्तमान से लड़ लो भाई, ब्राह्मण ही सबका जीना आराम किए हुए हैं, मुसलमान का भी, हिंदू का भी, दलितों का भी, सबका। आपको दिक्कत क्या है ब्राह्मण से?
अरे ब्राह्मण देश में शासन कर रहा, हमारे राजपूतों का कहाँ है, SC ST वालों का कहाँ है, OBC वालों के अधिकार कहाँ है? क्या हम लोग सिविल सर्विस में नहीं जा सकते क्या? आपने नौकरियां खत्म कर दी, आपके सारे लोग आपके सिस्टम में बैठे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के सारे IPCOs की संख्या निकालो, आप सारे RSS के लोग हैं सारे, क्या वही हिंदू हैं? और समाज हिंदू नहीं है क्या? जो RSS में नहीं है वो राजपूत नहीं है क्या? जो RSS में नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है क्या? मंदिर पे RSS बैठा हुआ है, सारे मंदिर पे, सब मंदिरों के नाम पे चंदाखोरी चल रही है। देश भुखमरी में आ गया, गरीबी में आ गया, किनके कारण आ गया? लूट रहे हो देश। CAG की रिपोर्ट आती है तो आप हमें दूसरी तरफ ले जाते हो, वैसे पूरे देश को भ्रष्टाचारी कहते हो। CAG की रिपोर्ट आने पे ED चुप क्यों है? विपक्ष जिन लोगों पे सवाल उठाती है उनके खिलाफ ED कार्रवाई क्यों नहीं करती? आज ED केवल उन लोगों पे कार्रवाई क्यों कर रही है जो लोग सवाल पूछते हैं, जो इन लोगों का सच बताते हैं, जो लोग हमें हिंदू में बांट रहे हैं, कभी हमें बेवकूफ बनाते हैं। 15 लाख के नाम पे 238 किलो सोना चोरी हो गया, कहाँ गई है भारत सरकार जो श्री राम मंदिर के नाम पे प्रचार करके हमें बेवकूफ बनाती है? दूसरी तरफ से हमारा 238 किलो सोना चोरी हो जाता है। केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी हुआ, जू रेंग रही है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर, जू रेंग रही है मोहन भागवत जी के ऊपर, किसका चोरी हुआ? ये महादेव के मंदिर से सोना चोरी होना साधारण बात है क्या? कहाँ गया हिंदू, कहाँ गया बजरंग दल? इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। किस तरह से हमें देश में गुमराह करते हैं ये मुट्ठी भर 3% लोग, इन्होंने पूरे देश का खजाना खाली कर दिया, मंदिर लूट लिए, देश लूट लिया, बैंकें बंद करा दी, कंपनियां बेच दी, अब बचा क्या है इस देश के पास, बचा क्या है? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि RJD और JDU बताया कि पिछड़ों के लिए क्या किया जिन्होंने जनगणना कराई है। भैया इनने क्या किया है? आपकी जवाबदेही है, 9 साल से आप देश चला रहे हो। 2014 में इस देश के कितने अच्छे हालात थे, आम नागरिक आराम से रह रहा था, खुशहाल रह रहा था। आपके आने के बाद आज देश में हम नमक पे टैक्स दे रहे हैं, आटे पे टैक्स दे रहे हैं, और आप अपनी जवाबदेही से भाग के कह रहे हो कि आपके गिरिराज सिंह कह रहे हैं, आप बन गए बेवकूफ। किसके हाथ में देश है, कौन देश चला रहा है, किसने 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया, किसने बैंकें बंद करी, किसने कंपनियां बंद करी? जवाब कौन देगा? हम देंगे, कांग्रेस पार्टी देगी, मुलायम सिंह यादव देंगे, देश तुम चलाओगे। और जब तुमसे जवाबदेही मांगे, तुम्हारे भ्रष्टाचार सामने आए, औरंगजेब ने क्या करा था, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान फालतू की बातें करते हो। अरे सवाल का जवाब दो, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कहाँ गई, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, स्मार्ट सिटियां कहाँ गई, आपके सांसदों ने गोद लिए थे गाँव, वो गाँव कहाँ है, क्या विकास हुआ, भागते क्यों, हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? बड़ी परेशानी हो गई जातिगत जनगणना से, अब हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हो, हिंदू को लूट लिया आपने, हिंदू के नाम पर मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। भाई इस देश में 30% GDP के हिस्सेदार है मुसलमान, काम करते, चोरी नहीं करते, लुटेरे नहीं है मुसलमान, चंदा दिया उन्होंने सरकार सेना के हथियार के लिए, सोना दिया दिया इनने, हिंदू है जो हिंदुओं ने, RSS ने दिया तक कुछ, 238 किलो सोना चोरी हो गया, एक भी हिंदू नहीं बोल रहा, केवल हमें लड़ाने के लिए, बांटने के लिए। क्या है यार सवाल है तुम्हारे? अभी आप देख रहे हैं आप इतना गुमराह क्यों है। संगीत से हम कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया। हाँ मिनी पाकिस्तान बन गया, जो हमारे अखंड भारत का सपना दिखाने वाले लोग उत्तर प्रदेश को 4 खंडों में बांटना चाहते हैं। बेवकूफ बनाते हो यार तुम। संगीत सोम क्या है भाई, क्या संगीत सोम, क्या है संगीत सोम? हिंदुओं के नेता है। हाँ वही हिंदुओं का नेता है। और वो कौन थे, उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे कौन थे? राहुल गांधी कौन है? इनको तुम जाति में कर दो कि राहुल गांधी की जात पता नहीं है। अरे जो जो सच ना बोले, एक प्रधानमंत्री पद पर बैठकर जो झूठ बोले उसकी जाति क्या है? एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर 9 साल में जिसने देश से सच ना बोला उसकी क्या जाति है? एक प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई ना कर पाए और पूरे देश को भ्रष्टाचारी बोले उसकी क्या जाति है? क्या बात करते हो आप। इनकी सरकार में कितने महत्वपूर्ण लोग मारे गए, आतंकवादी घटना होती है पुलवामा में, आप कहते हो आतंकवाद शांत है, पठानकोट क्या था, क्या हुआ अभी हमारे CDS के साथ, ये क्या घटनाएं हैं? मुंह मत छुपाओ, हिंदुत्व के पीछे खड़े होकर, धर्म के पीछे खड़े होकर जवाब दो ना। मिनी पाकिस्तान कह के, पाकिस्तान कह के, जय श्री राम कह के सवालों से भागो मत, जिम्मेदारी से भागो मत। देश आ गया भुखमरी में। देश प्रधानमंत्री ने आगे कर दिया जनता को, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांट रही है कांग्रेस। हाँ प्रधानमंत्री की बात सुनेगी जनता, जनता के बच्चे भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं, गरीबों के, जिन गरीबों के नाम पे अब जातिगत जनगणना से ध्यान भटकाना चाहते हैं कि जनता गुमराह हो,
समझ में आया? नौकरियां छीन ली है, नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, अब अस्पताल संजय गांधी वाला बंद करने जा रहे थे, वो तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया। ये बात करेंगे हिंदू की? इन्हें कोई देश सुनना है? यूट्यूब पे आके करनी पड़ रही है, सब्सक्राइब कर दो, जैसे आप जैसे यूट्यूबर्स अपनी वीडियो चलाने के लिए, अपने चैनल को बढ़ाने के लिए करते हो। आज तुम्हारी तरह प्रधानमंत्री को आकर अपील करनी पड़ रही है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? वो तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेरी प्राथमिकता में गरीब है, जाति नहीं है। हाँ, गरीब प्राथमिकता है, तभी मनीषा वाल्मीकि के साथ ऐसा हुआ था, तभी यहाँ पे मणिपुर में ऐसा हो रहा है जो महिलाओं के साथ हो रहा है। गरीबी की प्राथमिकता है, तभी बैंकें बंद कर दी हैं, तभी आटे पे टैक्स लगा दिया, दूध पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया है, तभी फीस इतनी बढ़ा दी है कि गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए, शिक्षित ना हो पाए और आप तो सवाल ना कर पाए। गरीब प्राथमिकता है, गरीब बेवकूफ नहीं है, भूखा जरूर है, बेरोजगार जरूर है, बेवकूफ नहीं है गरीब। जाके अपने मोदी साहब को बता देना, 2024 के चुनाव में मोदी साहब को पता लग जाएगा गरीब क्या है और अमीर क्या है। अमीरों से 8% टैक्स, गरीबों से 13% टैक्स। एक दिन फोन की EMI ना जाए तो फोन बंद है। और अमीरों के लिए हमारा सारा खजाना लुटा दिया जो हमसे टैक्स ले रहे थे, कितने लाख करोड़ अमीरों का माफ कर दिया है, क्यों नहीं बताते? ज्यादा गरीबों के हिमायती है तो है, 15 लाख का वादा किससे किया था, अंबानी से या गरीबों से? जुमला था ना, गृह मंत्री ने बोला, फिर मुंह से बोलते हैं ना जो मोदी, झूठ बोलते हैं, झूठ। आज गरीब के पेट में जो बच्चा है ना, वो भी सुनता मोदी की आवाज तो समझ जाता है झूठी आवाज आ रही है। आपको नहीं लगता 24 का एजेंडा है जनगणना? कोई एजेंडा नहीं है, आई समझ में? ये नरेंद्र मोदी जी के प्रोपगंडे को ना, जो नरेंद्र मोदी जी का हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व को आज सबके सामने पर्दाफाश कर रही है जातिगत जनगणना, कि ये हिंदुत्व के नाम पर हमें और आपको बांट रहे हैं और लड़ा रहे हैं। वो खुल गया प्रोपगंडा, आज मालूम पड़ रही है लोगों को कि हमारी कितनी हिस्सेदारी है, हमें टिकट ही नहीं, सारे टिकट दिल्ली से फाइनल हो रहे हैं, हैं? इतने परसेंटेज है जिनका, उनको उनके अधिकार से टिकट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? या राजनीति में सारे RSS के ही लोग आएंगे? RSS का है तो SC ST है, RSS का है तो OBC है, RSS का है तो ठाकुर है, RSS का है तो पंडित है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा, अब लोगों की आंखें खुल रही हैं। आने वाले समय में 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को वोट के माध्यम से देश की चोट का हिसाब मिल जाएगा।